हरी साहब जी हाँ, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। द जयपुर डायलॉग फोरम के प्रेसिडेंट श्री सुनील जी कोठारी, द जयपुर डायलॉग फोरम के चेयरमैन श्रीमान संजय जी दीक्षित साहब, हमारे बीच पधारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद जी और जिन्हें सुनने वालों की भारत में बहुत बड़ी संख्या है, उनका बहुत बड़ा नाम श्री सुधांशु जी त्रिवेदी। आप सभी के स्वागत के लिए हम सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मनीष जी पारीक, निदेशक ONGC, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और पूर्व उपमहापौर जयपुर नगर निगम। हम आमंत्रित करना चाहेंगे निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्री आशुतोष जी पंत और द जयपुर डायलॉग फोरम के मेंबर एडवोकेट श्री जय जी शर्मा साहब को। आप तीनों पधारें और मंच पर आसीन विभूतियों का स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम शाब्दिक स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा जयपुर डायलॉग फोरम के चेयरमैन श्री संजय जी दीक्षित को। उद्घाटन सत्र के स्पॉन्सर हैं विक्रम शर्मा और को स्पॉन्सर हैं राहुल सिंह राघव। सभी विद्वज्जनों को, सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों को मेरा प्रणाम। आज का यह है जयपुर डायलॉग्स 2022 का उद्घाटन सत्र है और इस उद्घाटन सत्र में हम सदैव की भांति, जैसा कि हमारी एक परंपरा रही है कि हम प्रत्येक जयपुर डायलॉग्स का आयोजन एक विषय के आसपास करते हैं, एक थीम होती है। तो इस वर्ष की हमारी थीम है अमृतकाल क्या अपेक्षाएं हैं, अमृतकाल व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि इस समय अमृतकाल की बात हो रही है और 2047 तक अमृत के प्रकट होने की संभावना है। तो उस अमृत काल में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं, हमारे साथ हैं आज के अध्यक्ष, इस सेशन के अध्यक्ष, सत्र के अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद जी और मुख्य वक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और हमारे साथ हमारे जयपुर डायलॉग्स फोरम के प्रेसिडेंट सुनील कोठारी जी, आप सभी का स्वागत है। और मैं अब सीधे आमंत्रित करता हूं स्वामी विज्ञानानंद जी को उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए। आप चाहे तो वहां से ही दे सकते हैं, चाहे यहां से दे सकते हैं। नमस्ते,
सुनाई दे रही है? जयपुर डायलॉग के ये सेशन है अमृतकाल, व्हाट नेक्स्ट। अभी आपने पंडित सतीश शर्मा जी से सुना कि अर्थ और काम अधर्म है। मैं बताने जा रहा हूं कि अर्थ धर्म है, अधर्म नहीं है। हम लोगों ने, हिंदू समाज ने अर्थ की महत्ता को नकार दिया, इसलिए हमें आजकल दो कौड़ी का कोई पूछता नहीं है दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में किसकी ताकत होती है? जिसकी बड़ी इकोनॉमी है। 30 साल पहले चाइना को कोई पूछता नहीं था, आज 15-16 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, इसलिए उनको ताकत है और आपको धमका भी रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, शास्त्र का वचन है, विद्या ददाति विनियम, विद्या यात्रि पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। ये मेरा वचन नहीं है, चाणक्य कुछ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। और हम बाबा लोग, पंडित लोग, कथाकार, प्रवचनकार लोग जो है ना, हिंदू समाज को पिछले 100-200 साल से तो जरूर मूर्ख बना रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, संसार मिथ्या है, माया है, लेकिन दक्षिणा सत्य है, हैं? और इसलिए अगर हिंदू समाज को अमृत काल में ताकतवर बनना है, पावरफुल बनना है, तो इकोनॉमिकली पहले पावरफुल बनना होगा। ये रामदेव की तरह पेट हिलाने से देश ताकतवर नहीं होगा, इसलिए इकोनॉमिक माइट आना चाहिए। मैं अपना कोट नहीं, शास्त्र का मैं घंटों बताऊंगा। मैं वैयाकरणाचार्य हूं, सारे दर्शन शास्त्र गुरु परंपरा से पढ़ा हुआ हूं, मैं उस पर भाषण नहीं दे रहा। स्वामी विवेकानंद को कोट पढ़ रहा, कोट ये भगवत गीता लेक्चर का है, ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट व्हेनेवर रिलीजन सक्सीड सिस्टम गेन ग्राउंड विद द पीपल एट लार्ज, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक साइड टू इट, इट इज द इकोनॉमिक साइड ऑफ रिलीजन दैट फाइंड लॉजमेंट विद पीपल एट लार्ज, एंड नेवर इट्स स्पिरिचुअल और फिलोसफिक साइड। इफ यू शुड प्रीच द ग्रैंडेस्ट फिलोसफी इन द स्ट्रीट फॉर ईयर, यू वुड नॉट हैव ए हैंडफुल ऑफ फॉलोअर, बट वी कुड प्रीच मोस्ट एरेंट नॉनसेंस एंड इफ हैड इकोनॉमिक एलिमेंट यू वुड हैव होल पीपल विथ यू। मोहम्मद साहब ने तो यही किया ना, व्हेनेवर एनी रिलीजन सक्सीड इट मस्ट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल सिमिलर सेक्ट विल स्ट्रगलिंग फॉर पावर, बट दोज ओनली हु विल मीट द रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल हैव इट। Man is guided by the stomach. He walks and the stomach goes first and head afterward. Have you not seen that it will take ages for the head go first? तो ये इकोनॉमी का बात है, इसलिए इकोनॉमी को इग्नोर नहीं करो। अगर भारत को ताकतवर बनना अगले 25-50 साल में, तो इकोनॉमिक इग्नोर होकर नहीं होगा। और आपको जानते हो, हमारे पूर्वज लोग बहुत समझदार थे, इसलिए इकोनॉमी पर बहुत ध्यान दिया। हम आपको बताने की जरूरत, आप सब जानते हैं, रिसर्च है एंगुस मेडिसन का, 1st century से 15th century तक 33% भारत के हिंदू करते थे, और सारे दुनिया के हिंदू करोगे तो कम से कम 49% वर्ल्ड जीडीपी रिकॉर्डेड उसके डेटा के अंदर है। फिर हम घटने 15th century के बाद घटने लगे, ईसाइयों के, अंग्रेजों के आने तक लगभग 20% थे। उन्होंने जो लूट प्लंडर किया, आपको पता है, हम गरीब हो गए, गरीब हो गए तो दुनिया में हमें कोई पूछ नहीं लगा, हम स्नेक चार्मर बन गए, स्नेक चार्मर बन गए। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। देश स्वतंत्र हो गया, नेहरू जी आ गए, नेहरू जी हैरोल्ड लास्की के चेले थे भाई, और हार्डकोर कम्युनिस्ट हैरोल्ड लास्की हैं। लेबर पार्टी जो यूके है, जहां से हमारे सतीश शर्मा जी हैं, उसका अध्यक्ष भी चेयरमैन था, वहां से निकाला गया था उसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेहरू जी के मिक्स्ड इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी का बंटा धार कर दिया और डुबो दिया, और कम्युनिस्ट उनके चेले हमें चिढ़ाया करते थे, उसका 2% ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट। लेकिन वही नेहरू जी चले गए, उनके खानदान चले गए, नरसिम्हा राव आ गए, उन्होंने इकोनॉमी को खोल दिया, वही इकोनॉमी सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गई। उस समय किसी ने कहा यह हिंदू ग्रोथ रेट है, सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी? तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं नरसिम्हा राव को भारत का महान प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। आज का जो एस्पिरेशनल भारत है ना, उसकी बुनियाद रखने वाले हैं, इसलिए हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। और उनके खुद कांग्रेस पार्टी के मनीष अयंगर ने अपनी किताब में लिखा ना, मेमोर ऑफ सेकुलर फंडामेंटलिस्ट, जब मैं कॉम्बट कम्युनलिज्म यात्रा लेकर चल रहा था और नरसिम्हा राव से दिल्ली में मिलने गया, मैंने बताया कि नरसिम्हा राव जी, हमने ये सब कर रहा हूं सांप्रदायिकता विरोध के लिए, तो नरसिम्हा राव जी ने मुझे कहा,
मणिशंकर तुम गलत कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र है। मणिशंकर ने लिखा है कि आई वॉज शॉक्ड जब नरसिम्हा राव कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। तो ये आदमी जो आज का एस्पिरेशनल भारत है उसका शुरुआत नरसिम्हा राव कर गए, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी बुनियाद थोड़ा और उसको मजबूत किया। हमें क्या भविष्य में क्या करना है, हमें हमारी 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो कम से कम आधा परसेंट वर्ल्ड इकोनॉमी तो हमारे पास होनी चाहिए, 8%। अभी हार्डली 3% हमारे पास है, और अगले 25-50 साल में हम 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें पहुंचना चाहिए, तो हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए अमृतकाल में। इसके लिए आवश्यक क्या है कि जैसे लाइसेंस राज खत्म किया वैसे इंस्पेक्टर राज भी खत्म करो। हमारे बिजनेसमैन को बहुत तंग किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली। दूसरी चीज, बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट करो, जो वेल्थ क्रिएटर है जिसको देश में रेस्पेक्ट नहीं करोगे वो देश कभी मजबूत नहीं होगा। हम लोगों ने बिजनेसमैन को चोर मानते हैं, हम लोग बिजनेसमैन को चोर मान के देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। वैसे ही हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जरूरी है। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी जरूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म भी जरूरी है। भारत को साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजाइन डेवलपमेंट अपना होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो देश ताकतवर नहीं होगा। रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और सावरकर जी कहते थे देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। एजुकेशन दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, किसी देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन होता है। हमारे भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भारत में पैदा नहीं हुए थे भाई, पता है कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, मदरसे में पढ़े थे। वो क्या लिखते हैं, उनका भारत सरकार की वेबसाइट पर है, कोट, आई एम ए मुस्लिम एंड प्रोफाउंडली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव इनहेरिटेड इस्लाम ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द लास्ट 1300 ईयर। आई एम नॉट प्रिपेयर टू लूज इवन ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट लेगेसी। द हिस्ट्री एंड टीचिंग ऑफ इस्लाम, इट्स आर्ट एंड लेटर, इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर पार्ट ऑफ माय वेल्थ एंड इट इज माय ड्यूटी टू चेरिश एंड गार्ड देम। आपको पता है यही मिनिस्ट्री है जिसमें 5 मियां लोग थे, हुमायूं कबीर, एमसी छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, अनुरुल हसन, एक मुस्लिम एंड कम्युनिस्ट है, पॉइजन सारे इकट्ठे ही एक थे। इन्होंने हमारे शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, सेकुलराइजेशन करके डुबो दिया। इन्होंने ही साहित्य अकेडमी, लला कला अकेडमी जैसे संस्था बना करके सब जगह उसका कर दिया, और उन्होंने कम्युनिस्टों को प्रमोट करके, कम्युनिस्टों ने अपनी क्रिटिकल थ्योरी, हेजेमोनी थ्योरी के नाम से जो है ना सारा एनार्किज्म, फेमिनिज्म, क्रिटिकल रेस थ्योरी, जेंडर स्टडी, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ओरिएंटल थ्योरी, ये सारा पढ़ाकर हमारे सारे शिक्षा का बर्बाद कर, हमारे यूथ को बर्बाद कर। जब तक इसको क्लीन नहीं करोगे भाई, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, इसको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। एक और, तरुण खन्ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं, उन्होंने 2003 में एक आर्टिकल लिखा था, कैन इंडिया ओवरटेक चाइना अपने फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन वो कहते हैं कि भाई भारत का कोई डिप्लोमेट, कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, बिजनेस कोई मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन चाइना ने अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुझसे मिलने भेजा, बोला कि हाउ यू कैन राइट दिस, आवर इकोनॉमी 3 times लार्जर देन द इकोनॉमी ऑफ भारत, है 3 गुना भारत से बड़ा, उस समय अब तो 5 गुना बड़ा हो गया, हाउ दे कैन बीट अस। तरुण खन्ना ने कहा 21st century इज नॉलेज इकोनॉमी, वेयर यू हैव इन्वेस्टेड, सी द IIT IIM ऑफ द भारत, हाउ दे आर कंट्रोलिंग सम ऑफ द मेजर कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। चाइना कहता है, चाइना वापस गया, दे आर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग $100 billion एनुअली टू इम्प्रूव देयर यूनिवर्सिटी, और आज उनकी यूनिवर्सिटी हमसे बहुत बड़ी हो गई, कभी हमसे देखते थे आज हम जागते रहे। 2013 में अनिल काकोडकर कमेटी वहां विजिट करने गई IIT की टीम लेकर के, और उन्हें हमें कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जिंगुआ यूनिवर्सिटी में हम गए, उनसे पूछा फॉर लास्ट 10 years आर पंपिंग मनी टू अपग्रेड यूनिवर्सिटी, उस समय आपका एम्बिशन क्या था और अभी भी पैसा लगा रहे हो, आपका एम्बिशन क्या है? तो वहां के बोलते हैं प्रोफेसर, फर्स्ट 10 years वी आर पंपिंग मनी टू इन्वेस्ट टू प्रोड्यूस चाइनीज हु विल रूल द चाइना, बट नाउ आवर एम्बिशन इज टू प्रोड्यूस चाइनीज हु विल रूल द वर्ल्ड। ये एम्बिशन रिफ्लेक्ट होकर आता है, ऐसा एम्बिशन हमारे देश के अंदर आना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। आपको बताऊं शिक्षा के क्षेत्र में कितने आगे बढ़ गए हैं भारत में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बता रहा हूं, उनके 5 lakh पेटेंट फाइल हुए हैं, हमारे 50,000 है, 10 गुना है, और उसमें 50,000 में ज्यादा हमारे मल्टीनेशनल है, हमारे अपने बहुत कम है। इस चीज को, देश को आगे बढ़ाना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल कथाकार प्रवचनकार से काम नहीं होने वाला।
और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, मैं अपने ही सरकार है, अपनी सेल्फ गोल नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। और इस पॉलिसी को डिजाइन करना मेन लिखने वाला कौन था? अनुराग बेहर, इसकी मेंबर सेक्रेटरी शकीला शम्सू, इन लोगों ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बंटाधार कर दिया। लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, ये सारा चीज है जिसको लंबे समय तक हमें ठीक करना पड़ेगा। तीसरी चीज है डिफेंस, किसी भी देश को मजबूत करने की डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबको पता है कि सर रॉबर्ट लॉकहार्ट जो पहले हमारे चीफ थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने नेहरू को पॉलिसी दिया कि भी बताया कि डिफेंस पॉलिसी होना चाहिए हमारे सिक्योरिटी। नेहरू ने कहा रविश ये सब बकवास है, हमें तो अहिंसा वाले हैं, ये तो अच्छा हुआ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमारी आर्मी बच गई, नहीं तो भविष्य बच गई, तो हम तो खत्म हो जाते भाई, इसलिए धन्यवाद हम तो पाकिस्तानियों को भी देते हैं थोड़ा सा। आप सब जानते हैं 1948 में कश्मीर यूएन का हुआ, तिब्बत का कैसा गया, हिंदी चीनी भाई भाई अक्साई चीन हम लॉस्ट हुए। आपको बता रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल एस पी पिथोराट ने 1959 में नेहरू को बता दिया था कि 1962 में चाइना अटैक करेगा, और उन्होंने लाल किला एक्सरसाइज भी किया लखनऊ में, लेकिन नेहरू और मेनन और उनके सारे चंपू मल्लिक वगैरह लोग थे, किसी ने नहीं माना। और आपको पता है कि 62 हो गया, हम हारे। 65 में तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का जो कमांड था ना, वेस्टर्न कमांड के चीफ थे, उन्होंने शास्त्री जी को कहा हमें इधर लाहौर साइड में अटैक करना होगा वेस्टर्न कमांड, तभी हम कश्मीर बचा पाएंगे, और वही हुआ, हम बच गए। 71 में अगेन 67 में एक और घटना हुई, नाथुला सेक्टर में और चूला सेक्टर में, वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और शेरू थपलियाल ने उस समय बॉर्डर को हमें बचा दें, तो वहां पर भी हमें मार पड़ती। 71 में प्लानिंग था जैक फ्रेडरिक राल्फ जैकब का, जिसके कारण से ढाका रिलीज में, तो हमारे न इंदिरा गांधी की योजना में था न मानिक शाह की योजना में था, हमें ढाका लिबरेट करना है। मैं किसी का डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, द रियलिटी एंड फैक्ट्स बता रहा हूँ। कारगिल हुआ, धन्यवाद हमारे नरेंद्र भाई का सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तो बचपन से सुनते थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो हमें अटैक करना चाहिए, क्रेडिट नरेंद्र भाई को जाता है। नरेंद्र भाई ने दूसरी अच्छी चीज की, चाइना तो उनको ह्यूमिलेट करना चाहता था, इसलिए क्योंकि शुरू में नरेंद्र भाई ने साबरमती के किनारे जिनपिंग के साथ झूला झूला था, इसको बड़े प्राउडली बताते थे, उसने अटैक किया तब इनको भी थोड़ा अकल ठिकाने आ गई, और अब थोड़ा बहादुरी से लड़े और भी स्टैंड है ना, तो अब चाइना को भी इतना ईजी नहीं है, इसलिए हमें एज ए देश के रिजॉल्व होना चाहिए, डिफेंस करना है तो हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज क्या बात हो रही है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, नए नए स्कॉर्प बन रहे हैं, ये अच्छी चीज है डिफेंस के लिए, और इसके लिए हमें नरेंद्र भाई का धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा चीज है मीडिया भाई, तो देयर इज अ सेइंग वर्ड्स आर द न्यू वेपन एंड सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल। ये दुनिया है इसका, हम तो मीडिया वाले नहीं, हम तो बाबा लोग हैं, आप लोग बहुत सारे मीडिया वाले होंगे। प्रोफेसर धीरज शर्मा अभी IIT रोहतक के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बॉलीवुड पर स्टडी किया कैसे मीडिया में, केवल प्रिंट अखबार नहीं है, मीडिया में सिनेमा टेलीविजन सब आता है, उनका स्टडी मैं बता रहा हूँ, 1960, 70, 80 50 फिल्मों का स्टडी किया। वो कहते हैं 58% द करेक्ट पॉलिटिशियन इन द फिल्म हैज ए ब्राह्मिन नेम, 58% करेक्ट पॉलिटिशियन द फिल्म हैज ए हिंदू ब्राह्मिन नेम, 62% करेक्ट बिजनेसमैन द फिल्म हैज ए बैश्या लास्ट नेम, 74% फिल्म प्रेजेंटेड सिख हैज ए लाफेबल, 84% मुस्लिम इन द फिल्म वेर सोन एज ए स्ट्रॉन्गली रिलीजियस एंड ऑनेस्ट इवन वेन दे आर सोन इन द फिल्म एज ए क्रिमिनल, Pakistan were projected as welcoming, courageous, open-minded, courageous. Hindu were largely projected narrow-minded, unwelcome, conservative. तो ये है हमारा मूवी का सिनेमा का सेक्टर। नेहरू जी खुद कहते कि हमारे सिनेमा का इंपैक्ट हमारे सारे विश्वविद्यालयों से ज्यादा भारत में है। हाँ रियलिटी है, हम लोग क्या है ना, हम लोग हिंदूवादी लोग कहते रहे तो नाच गान डांस करने वाले लोग हैं, अब नाच गान डांस करने वाले बेडरूम में घुसे हुए, आपके लड़के लड़कियां सलमान खान को फैंटेसाइज करती हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा भाई, ये तभी अमृतकाल होगा।
इसलिए आने वाले समय में आपको कश्मीर फाइल, कंटारा, उरी, शेरशाह जैसे मूवी वगैरह प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, टेलीविजन में रामायण, महाभारत, चाणक्य ऐसे ऐसे हमारा भी प्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं तो
हमारे लोग जो है ना, हमारे एंटी लोग फोर्सेस उनको बहुत यूज करते हैं। लिबरल अकेडमिया से भी बहुत निपटना होगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक काम पिछली बार किया, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, कोरोना काल का भारत में हिंदू स्टडी नहीं था, भारत में हिंदू स्टडी नहीं था, यहाँ इस्लामिक स्टडी था, क्रिश्चियन स्टडी था। हमारी टीम ने उस पर काम किया, हमने पूरा करिकुलम बनाया यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हमने स्टार्ट करवाया। फिर यूजीसी में गए, यूजीसी को रिक्वेस्ट किया, यूजीसी ने भी उसको अप्रूव किया, उसको कोड नंबर 102 दिया। फिर नेट में गए, नेट का एग्जाम भी होगा। आज लगभग 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी पढ़ाया जा रहा है। तो आपको ऐसे ऐसे आपको एकेडमिया में जाकर काम करना होगा, तभी लोग, नहीं तो क्या है वो कल्चर आजकल, बताया, मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ भाई, आजकल नया वर्ड आ रहा है, वो कल्चर बढ़ रहा है, वो कल्चर जो है अर्बन नक्सल बढ़ रहे हैं, ये सब चीज पर हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो ये अमृत काल के समय में इन सब चिंता है। सबसे बड़ा दुख का विषय है कि भारत में बेदबीर है, हम लोग तो गुरुकुल वाले हैं, भारत में हिंदू शास्त्रों का नॉलेज बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। आप सोच सकते, बड़े बड़े पंडित लोगों को भी एक शब्द संस्कृत का नहीं आता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे इस देश को बाहर निकलना होगा। जो हमारा धर्म का रूट है ना, ताकत है, उसका नॉलेज था, आज वही जो है, जो कहते हैं ना, एक फ्रेज है, बिल्ड द आयरन फेस, सेव द ट्री हॉलोड बाय द टर्माइट। पेड़ में जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले थे ना, पेड़ को बचाने के लिए वो लगाते ना, क्या वो फेंस लगाते हैं ना, अभी पेड़ में ही दीमक लग जाएगा तो आंधी में तो पेड़ गिरेगा, वो फेंस तो उसको बचाएगा नहीं। हमारी स्थिति वैसी हो रही है कि हमारा नॉलेज पार्ट डिक्लाइन हो रहा है। अच्छे पढ़े लिखे साधु सन्यासी ब्रह्मचारी विद्वान भी नहीं मिल रहे आजकल, सब साधु लोग का जो है ना ऑर्केस्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कथाकार का ऑर्केस्ट्रिफिकेशन, क्या भाई मैं अंग्रेजी ठीक से बोल रहा हूँ अनंतनाथ, ऑर्केस्ट्रिफिकेशन हो रहा है भाई, हम तो पुराने जमाने के आदमी हैं। ये इस चीज का भी थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। डिक्लाइनिंग फैमिली वैल्यू हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है हमें हिंदू आइडेंटिटी को फॉर्मली एस्टेब्लिश करना है मेनस्ट्रीम सोसाइटी में, नहीं तो क्या है भारत में, क्या है, अच्छा हुआ सनातन, अच्छा हुआ तो इंडिया, अच्छा हुआ तो आजकल इंडिक सब, ये मैं बता रहा हूं, मेरा काम है, ये सनातन वर्ड कंप्लीट बोगस वर्ड है, ये 125 ईयर ओल्ड वर्ड है, ये जब आर्य समाज के बाद सनातन धर्म एज ए प्रॉपर नाउन के रूप में हुआ, उसके पहले कहीं यह शब्द यूज नहीं होता, हर जगह पहले हमारे हिस्ट्री में 1000 साल की हिस्ट्री में शिवाजी महाराणा प्रताप ये सब हिंदू के नाम पर लड़े मरे बलिदान हुए, उन्होंने कहीं भी सनातन धर्म यूज नहीं किया, डिफ्टिस्ट वर्ड है, हमें इसका यूज प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें फॉर्मली हिंदू के नाम पर दुनिया में खड़ा होना चाहिए, ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होनी चाहिए। और लास्ट मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, हम यहाँ खड़े हैं, इतने चौड़े छाती करके यहाँ खड़े हैं, जिसके पीछे 98 साल की एक संगठन की बहुत बड़ी तपस्या है, वो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके ही बहुत सारे शाखा प्रशाखा के लोग आजकल सत्ता में भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ध्यान दो, आजकल बहुत सारे लोग, कुछ यूट्यूबर, कुछ थोड़े बड़े लेखक, ऐसे 30 मार्क हाँ बनते हैं जैसे वही सबसे बड़ा अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, हिंदू समाज को डिफेंड कर सकते हैं, मुसलमानों से लड़ रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, मेरा भी 35 साल से पब्लिक लाइफ में हिंदू समाज में काम कर रहा हूँ और दुनिया में काम कर रहा हूँ, एक भी मुसलमानों से लड़ने के काश इनके पास ताकत, अगर किसी के पास ताकत है, यही संगठन है जो बुलवर्क के रूप में इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ है। इसलिए हम सबका क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, मैंने भी बोला ना क्रिटिसाइज किया, लेकिन रिडिकुल करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो एक प्रोफेसर कहना था, यू आर जंपिंग फ्रॉम द फ्राई पैन टू द ओवन, इस चीज को याद करना। नमस्ते। आपके ऊर्जावान शब्दों के लिए बहुत आभार स्वामी विज्ञानानंद जी। अब हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सुधांशु जी त्रिवेदी को, आप कृपया पधारें और मुख्य वक्ता के रूप में अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, सुनील कोठारी जी, और ये जो जयपुर डायलॉग का अनवरत यज्ञ चल रहा है, इसके मुख्य अधिष्ठाता संजय दीक्षित जी,
आप सभी ने अभी स्वामी जी का ओजस्वी और ऊर्जावान उद्बोधन सुना, तो मैं उन्हीं में से कुछ बिंदु लेकर अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। आज का मुख्य विषय है अमृतकाल और इसके आगे क्या। ये एक सुखद संयोग है कि हम अभी 2022 में हैं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, यानी ये अमृतकाल का भी उषा काल है, और उषा काल में ही सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ती है जो आने वाले पूरे दिन का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हमें इसमें यह सोचना होगा कि वो कौन सी दृष्टि है जो आने वाले समय में, आने वाले 25 वर्षों में हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है, अथवा हम सब उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में यदि हम ध्यान करें तो अभी विगत स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से बोला, तो उन्होंने क्या कहा कि इस अमृत काल के 5 प्रण है। पहला प्रण यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो स्वामी जी ने कहा, जब तक हमारे पास मटेरियल पावर नहीं होगी तब तक हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आपने देखा ये जो पहला प्रण था तो ये ऐसे कहा गया प्रण नहीं था मोदी जी। हम जब 2014 में परिवर्तन आया तो उससे पहले, एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 वर्षों में हम दुनिया के एक अद्भुत देश थे। दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर यहां हम बड़े थे और हम ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा हमें सता रहा है। वो वक्त बदला और इंडिया का एरा एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हुआ। ऑन द लाइटर नोट कहूं कि नया संसद भवन जब बन रहा था तो उसके ऊपर जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा तो बहुत से लोग कोर्ट चले गए कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इन्हें शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। पर जब से शेर शेर दिखने लगा है तो आपने देखा कि उसका असर क्या हुआ है। असर यह हुआ है कि विगत 8 वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग। अब कोई कहेगा नहीं किया तो प्राप्त क्या कर लिया। आजकल का जो घटनाक्रम है मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है, प्राप्त क्या किया याद करिए, कुछ साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात, वो वीडियो जब पीटीआई की सरकार थी वहां, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात होते होते हिंदुस्तान अटैक कर देगा। जनाब ये हालात तो 1971 में भी नहीं हुए थे कि कोई ये कहे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि उनके पांव कांप रहे हैं। एक बात मैंने कहने का प्रयास किया। दूसरा प्रण क्या था, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना है। इसको मैं अभी आगे इस पर विचार व्यक्त करूंगा कि गुलामी की मानसिकता के कितने आयाम हैं, हाउ मेनी वेरिएबल डायमेंशंस दे आर हैविंग। तीसरा था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है, और चौथा था कि हमें अपनी सब लोगों को सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक कुछ व्यक्तियों के प्रयास से नहीं होगा, सबके प्रयास से होगा। और अंतिम था कि उस सामूहिकता के प्रयास के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब हम इसके दूसरे विषय पर यदि आते हैं कि हम अगर हम ये भी कहें, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चाइना के साथ भी हमको ध्यान रखना चाहिए था, तो मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाइना के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आप देखें तो चाइना के साथ कौन खड़ा था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ये मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मई जून 2020 का पीपुल्स डेली का जून का महीना था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जिसमें उसने कहा कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट टियानमेन स्क्वायर। तो ऐसा भी नहीं था कि हमने उसमें दृढ़ता के साथ काम किया। अब मैं इस पे आता हूं, देखिए गुलामी की मानसिकता की बहुत सी चीजें हमारे दिमागों में बहुत तरीके से बैठी हुई हैं और हमें उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग इस विषय के अनुसंधान में लगे रहते हैं, पर आपको तो पता है कि हमारे यहां बताया गया है कि अमृत तो तब निकलता है जब पहले विष निकाल दिया जाए। तो अमृत काल के अमृत का साक्षात्कार तब होगा
जब गुलामी की मानसिकता ने जगह जगह विष जो इंजेक्ट करके हमारे मस्तिष्क में, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार के माइंड में, यानी चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के मस्तिष्क में जो स्थापित कर रहा है, कर रखा है, उसको निकालने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग ये कहने लगते हैं कि हम इंडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मेरा विचार है अब अमृत काल का अंत आते आते हमारा विचार बदल जाना चाहिए। हम वेस्ट के नजरिए से भारत को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत के नजरिए से वेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगले 25 वर्षों में वेस्टोलॉजी। अरे भाई आप कौन होते हैं हमको समझाने वाले? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबका आग्रह है कि उसकी वास्तविक स्वरूप आना चाहिए। पर उससे पहले हम यह तो समझ लें कि इतिहास को लेकर भारतीय सोच और इतिहास को लेकर वेस्टर्न सोच में क्या अंतर है। वो अंतर यह है कि वेस्ट कहता है हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन प्रिसाइजली डिपिक्ट एंड प्रिसाइजली डिटरमाइन द टाइम ऑफ एनी इवेंट विच हैज हैपेंड इन द पास्ट। यही तो हिस्ट्री मानते हैं कि भूतकाल में हुई कोई घटना उसका सही सटीक निर्धारण कर दें और सही समय का निर्धारण कर दें, ये इतिहास है। परंतु मैं आज आपसे पूछूं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC, हाउ डज मैटर्स टुडे? तो उनकी इतिहास की डेफिनेशन तो कोई आज के युग में प्रासंगिक नहीं है। हमारे यहां इतिहास की परिभाषा यह है कि पूर्व काल में घटित हुई घटनाओं का वह स्वरूप जो वर्तमान समय में समाज में जीवन मूल्यों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। इसलिए हमारे यहां रामायण और महाभारत एक इतिहास है, मगर उस इतिहास में जोर रामलीला के ऊपर है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों को पढ़िए, उनके चरित्र को समझिए, उनके चरित्र को अंगीकार करिए, यह उसका महत्व है। वो किस समय हुए थे इसका महत्व हमारे लिए सेकेंडरी है और उनके लिए प्राइमरी है। इसीलिए जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो क्या शब्द है? रामचरितमानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए, ये इतिहास का उल्लेख है। और ऐसा नहीं है, अगर आप रामचरितमानस की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही करत सकल भ्रम नासा। ये परम पुनीत इतिहास है जिसे सुनने मात्र से सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। अब वो भ्रम कैसे दूर होते हैं और भ्रमों में क्या संबंध होता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। आप सबने वो सुना होगा संस्कृत का बड़ा फेमस वाक्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, और यह प्रसंग कहां पे है, यह रामायण का ही प्रसंग है जब वो ये कहते हैं कि न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को भी ऐसा घेर लिया कि विनाश काल में बुद्धि पलट जाती है। अब ये हमें क्या शिक्षा देती है? आज बहुत से लोग सोने का हिरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय यानी भगवान राम जीवात्मा के प्रतीक हैं और सीता आत्मा की प्रतीक हैं, परमात्मा समझाता है सोने का हिरण नहीं होता। जीवात्मा भ्रमित हो जाती है, कहती होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसके बाद अपनी अंदर की समस्त परमात्म शक्ति को उसके अनुसंधान में लगा देती है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रावण। अब यहां ध्यान रखने की बात है, जब रावण आया था सीता हरण करने, क्या राक्षसी वेश में आया था? नहीं, साधु का वेश धर के आया था। आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का आवरण धरकर आपके सामने आती हैं, और अंदर से देखने में लगता है कि ये तो बड़े अच्छे विचार के साथ आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे रावण सीता जी से आग्रह करता है बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, जैसे ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की, अब उसका असली स्वरूप दिखने लगता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं उसमें वास्तविकता क्या है, आवरण क्या है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, ऐसे फ्रेजेस घड़े जाते हैं, जैसे आप सबने सुना होगा लेफ्ट लिबरल,
कभी आप में कोई लेफ्टिस्ट कंट्री बता सकते हैं जो लिबरल हो? मतलब लेफ्ट लिबरल इटसेल्फ इज अ पैराडॉक्स. इट इज लाइक इफ समबडी से दैट आई एम ए डिवाउट एथिस्ट. अब दूसरी बात आप आइए, भारत में आकर जो हार्ड लाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट, यही लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं. अब मैं आपसे पूछूं, एक आप कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बता सकते जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो. चलिए वहां तक तो ठीक है. एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो. गजब का भाईचारा है, आपस में क्या भाईचारा है. और ये आकर हमको भाईचारे का प्रवचन देते हैं. और देखिए मजे की बात यह है कि प्रवचन भी क्या देते हैं, कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब. अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब तुम्हारी. अरे मैं तो तब यह मानता जब आप कहते दजला फरात की तहजीब, तो हम मानते. ये स्थिति, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे माइंड्स में किस प्रकार के शब्दों को दिमाग में गढ़ा जाता है और फिर हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है. जैसा कि अभी स्वामी जी बता रहे थे फिल्मों के बारे में ही, वो विषय तो हम लोग भी अब सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से धार्मिक और अन्य चीजों को किया जाता है. मैं उसमें एक और एंगल बताना चाहता हूँ. जितनी भी फिल्में 50 साल में बनी, आपने प्रोफेसर को हमेशा सनकी पाया होगा. वो हमेशा थ्री इडियट वाला वीरू सहस्रबुद्ध ही होगा. फौजी, उसका डिसिप्लिन उपहास का पात्र होगा. जिस स्टडी का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि 68% या 65% से अधिक फिल्मों में हमेशा सिख उपहास का पात्र बनाया गया है. और इतना ही नहीं, जो डिसिप्लिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो मजाक का पार्ट होगा, वो चतुर महालिंगम होगा. और जो हर प्रकार की शैतानी करने वाला होगा वो हीरो होगा, वो इनोवेटिव होगा. आप यह भी देखिए, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है. आप यह भी समझिए कि धर्म मत संप्रदाय से लेके समाज के वो सारे वर्ग जो समाज का आधार बनाते हैं, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, फौजी हो, इन सबको, या धर्म की चेतना और नैतिकता स्थापित करने वाले लोग हों, उन सब के बारे में एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास. और यह भी ध्यान करिए, जो मैंने बात पहले भी बोली थी, संस्कृत भाषा का ही मजाक उड़ेगा. अब उसमें चतुर महालिंगम क्या श्लोक सुनाता संस्कृत का, अरे साहब साउथ इंडियंस आर मोर वेलवर्स इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन. साउथ इंडियन से संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, उर्दू बोलने में गलती हो सकती है. हमने भी बचपन में, मतलब मजाक में कह रहा हूं, एक सुना था कि जो एक आप सबने सुना होगा चाहे, वो शेर है ना, मैं गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, बस तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ. तो उसको अगर कोई स्लैंग में बोलेगा तो कहेगा, ना मैं गिला करता हूँ ना सुखा करता हूँ, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूँ. अब ये भी बनाया जा सकता था ना, ये नहीं बनाना था, क्योंकि मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था. इसलिए बड़े सटीक ढंग से नैरेटिव्स हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं, और वह ध्यान रखने की जरूरत है. जैसे मैं एक बिंदु और, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी सब प्यार मोहब्बत के दौर की बातें बहुत करती है, उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज को लेके भी आपके दिमाग में क्या चीज भरी गई है. वैसे तो अब तो हकीकत बिल्कुल बदल गई है कि ना किसी को अपनी बात कहना आता है, ना किसी को समझना आता है. जिसे एक शेर में कहा गया है कि मुझे माना, मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता. और वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता. मगर अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फ्रेज यूज किया जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये फ्रेज तो इंग्लिश का है, और इसकी हिंदी क्या है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है. जंग इश्क जायज तीनों फारसी के शब्द हैं. किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत या अन्य में, कोई ऐसा आपको अनुसंधान करके बताइएगा कि युद्ध प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं. क्योंकि हमारे यहां प्रेम एक त्याग का प्रतीक है और युद्ध का एक धर्म है. और वो धर्म कैसा है, जैसा अभी उल्लेख किया
पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी, कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण को भी इस बात का आभास हो जाता है कि भगवान राम क्या है, और जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा होता है तो भी भगवान उसके पास अब लक्ष्मण को भेजते हैं। यानी आपके शत्रु के अंदर भी कोई क्वालिटी है तो हम ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे, और हम उस समय ना उसका एनेक्सेशन किया उन्होंने, ना अपना कोई डिप्टी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी साइन कराई, ना डोमिनेशन किया। ये युद्ध का धर्म था, और युद्ध का धर्म हमारा ऐसा था कि वो जो आपको महाभारत का संवाद याद होगा कि सांपों का राजा अश्वसेन कर्ण और अर्जुन के युद्ध में जब कर्ण के तरकश में से आता है और वो कहता बस मुझे अपने बाण पर चढ़कर जाने दो तो अर्जुन को मैं डस लूंगा, तुम्हारा भी प्रतिकार पूरा और मेरा भी प्रतिकार पूरा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तो कहता नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं स्वीकार है क्योंकि मैं धर्म के आधार पर ही युद्ध कर रहा हूं, नैतिकता के आधार पर ही। तो वो ये कहता है, उसमें लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है जो भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है, वो ये कहता है अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो, जन्म जन्मांतर की शत्रुता नहीं है। तो कहता है अगला जीवन किस अर्थ हो फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू मैं। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में भी लिखा गया, कर्नल जेम्स टॉट जिन्होंने यही राजस्थान की धरती पर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, वैसे उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है, परंतु उन्होंने लिखा कि जो भारत के हिंदू राजा होते थे उनके लिए युद्ध ऐसा लगता था जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता था, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, एक जीतता था और दूसरा चला जाता था और जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। हमारे यहां युद्ध खेल भावना से लड़े जाते थे और उनके कोलोसियम में खेल भी हिंसक होते थे, जब तक दूसरा मर ना जाए तब तक वो खेल चलता रहता था, जमीन आसमान का अंतर है हमारी और उनकी सोच में। इसलिए और हमारे यहां प्रेम क्या था, जो अज्ञेय जी की कविता है कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो हमारे यहां कॉन्सेप्ट में एक टोटल डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से हम ये मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि हमें विष कहां कहां तक बैठा हुआ है और हमें कहां कहां तक विष को निकालना है, और विष निकालने के बाद होगा जानते क्या है, अमृत काल आते आते अगर हमारे अंदर से जैसे किसी के अंदर पॉइजन आ जाए तो आप दवा देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं फिर उसकी शरीर की नेचुरल पावर आती है ना बाहर, हमारे शरीर की जो जो नेचुरल पावर बाहर आएगी तो असली शक्ति सबको पता चलेगी भारत की। हम तो उसकी तरह हैं जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि पवन तनय सुन सुत पवन समाना काचू पिसाद रहा बलवाना। हम उसी प्रकार हैं, अपरिमित शक्ति है पर वह शक्ति भूले हुए हैं। जैसे ही यह विष निकलेगा तो स्वतः वो चीज प्रकट की होकर सामने आ जाएगी। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं इसमें एक डेफिनेशन में, और जो एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया है, गुरु और शिष्य और शिक्षा को लेकर हमारा और उनका कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते हैं एजुकेशन वो है विच कैन इम्पार्ट सर्टेन नॉलेज टू यू, सर्टेन इंफॉर्मेशन टू यू, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी, यही तो कहते हैं ना। हमारे यहां ऐसा नहीं कहा गया है, हमारे यहां ज्ञान देना ये मुख्य काम नहीं है, जिसको मेटलिस्टिक ज्ञान कहते हैं हमारे यहां अविद्या कहा गया है। हमारे यहां माना गया हर व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान तो उसके अंदर ओतप्रोत हो रहा है, केवल उसके ऊपर माया का आवरण है, जैसे शीशे के ऊपर गंदगी जमा है, बस उसको हटाना है और जब जो उसमें से शेष होकर निकलेगा, ये शिष्य शब्द जो है वो संस्कृत के शेष का एडजेक्टिव है। शिष्य का मतलब हुआ इफ आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग विच वॉज अनवॉन्टेड फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस द रेजिडुअल इज शिष्य। इसी प्रकार हम अपने विष को अगर हटाने में सफल हुए तो जो रेजिडुअल होगा भारत का वो वास्तविक स्वरूप होगा, और वो रेजिडुअल क्या होगा, वही जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, उसी में शिष्य और गुरु शब्द की एकदम सटीक व्याख्या है। वो कहता ना पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है, मुझे इसमें से पूर्ण निकालना है। और जब मैंने पूर्ण से पूर्ण को निकाला तो शेष भी पूर्ण था। व्हेन आई हैव टेकन इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी, द रिजिडुअल इज द इंफिनिटी। अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, नॉलेज के डायमेंशन की वजह से हम समझ नहीं पाते। हम कई बार कहने लगते हैं ये तो एकेडमिक है, ये फिलोसफिकल है, और ये जो है एक्चुअल है। अब भारत की एक्चुअल मैथमेटिकल खोजों में एक चीज जिसपे भयंकर से भयंकर जो भारत विरोधी लोग हैं या जो भी लेफ्टिस्ट हैं हमारे वैचारिक विरोधी, वो सब भी मानते हैं जीरो जरूर भारत ने दिया। जीरो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअलिटी क्या है? इट इज एन इंटीजर विच इज द बेस ऑफ अर्थमेटिक। तो कहा गया जीरो से आगे बढ़ के 1, 2, 3, 4 चलता है और फिर जीरो के आधार पर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अविद्या में हमने कहा दो प्रकार की विद्या है, ऑल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेकर और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये सब अविद्या है, इसको गलत शब्द नहीं मानना चाहिए। उसमें तो वो जीरो एक इंटीजर है। और विद्या क्या है? दैट इज अ डिफरेंट पैराडाइम ऑफ नॉलेज। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, उसमें जीरो क्या है? अगर आप देखिए आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो क्या आता है? रिजल्टेंट इज इंफिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत खोज रहे थे इसलिए हमने शून्य खोजा। अब यहां से देखिए मेटीरियल नॉलेज और एसोटेरिक नॉलेज के बीच का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जब आप ये कहते हैं अविद्या में तो शून्य एक नंबर है और विद्या में शून्य अनंत का मार्ग है, और वो कैसे प्राप्त करना है? वो अपने अंदर जब आप शून्य पैदा करेंगे तो अनंत की अनुभूति होगी, और जिसे एक और फिर क्या होगा, तो वहीं से आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जिसे एक दोहे में कहा है, शायद कबीरदास जी ने कहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम और घर अपनो है शून्य में अनहद में विश्राम। अब यहां से आप देखिए तो क्या है, जीरो एक अभिव्यक्ति है मेटीरियल नॉलेज में, जीरो एक अनुभूति है एसोटेरिक नॉलेज में। उनके पास ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनके पास वो डायमेंशन ही नहीं है अनुभूति का। इसलिए हमें इन चीजों को समझकर इसमें से जाना है। और मैं एक दूसरा भी एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे हम सब पढ़ते थे रावण का एक सर कटता था दूसरा उगाता था, भगवान रोक नहीं पाते जब तक नाभि पे वार नहीं किया, तो किसी को लगता कहानी है, ये तो एक कहानी है जो लोग बहुत दूर से देखते हैं जिनको बिल्कुल ही इस बात की समझ नहीं है। जो हमारे भी लोग हैं वो भी कहते हैं कुछ ऐसे ही सोच के कल्पना की गई होगी, ऐसा नहीं है। एक सर कटता है दूसरा उगाता है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो 10 सर 10 इंद्रियों के प्रतीक है। एक सर उगेगा दूसरा उगाएगा, अर्थात एक इच्छा पूरी करिए तुरंत दूसरी उगाएगी, ईश्वर भी उसको नहीं रोक सकता। इसका अर्थ होता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे चलना शुरू करिए, यू विल नेवर फाइंड एन एंड। एक सर्किल पूरा होगा तुरंत दूसरा रास्ता आगे दिखेगा, सर्किल का एंड कहां पे है? केंद्र में। इसलिए जब तक सर कटते रहेंगे तब तक फिर उगते रहेंगे, जब नाभि पे ईश्वरीय शक्ति का आघात होगा तब जाके आपको उसका वास्तविक निवारण होगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि दोनों के बीच का संबंध, जैसा भी दो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वामी जी ने भी कहा, बिल्कुल मैं तो कहता हूं दोनों में सामंजस्य है, जो शर्मा जी ने कहा और जो स्वामी जी ने कहा। बस आप इसका सीक्वेंस देख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म फर्स्ट है मोक्ष आखिरी है, यानी धर्म का आचरण करना है, धर्म को स्थापित करना है, मोक्ष पे लक्ष्य रखना है, माध्यम उसका अर्थ और काम को बनना है। तो उसके लिए अर्थ भी चाहिए, काम पर भी नियंत्रण चाहिए, मोक्ष पे लक्ष्य चाहिए, मगर करना क्या है? सत्यमवद धर्मम चर, धर्म का आचरण करना है, और उसका सारा का सारा रास्ता धर्म के माध्यम से ही जाएगा। अब मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, एक विषय जो स्वामी जी ने कहा और एक विषय जो शर्मा जी ने कहा, क्योंकि मेरा थोड़ा विचार रहता है, मैं जो सुनता हूं वक्ताओं को उसी में से विचार लेने का प्रयास करता हूं। देखिए उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि चाइना के साथ हमारा इस समय निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा है, परंतु विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, बताइए 25 साल पहले
कोई सोच सकता था कि चाइना अमेरिका को आंख दिखा देगा? आज दिखा रहा है। तो हमें भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, 25 साल में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखिए, सिर्फ 26 साल पुरानी बात है, आप सबको अगर याद हो 1996 जब पहली बार उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव ने IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ बाजी खेली थी, वो पहला मौका था जिसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये उसका सूत्रपात था। आज इतनी बड़ा डिजिटल रिवोल्यूशन दुनिया में आएगा शायद 26 साल में किसी ने नहीं सोचा होगा, मगर इसीलिए हम कह रहे हैं अगले 25 साल में इस अमृत काल में क्या होगा इसको लेकर किसी प्रकार का बॉन्डेज या कवर दिमाग में मत रखिएगा, बहुत कुछ हो सकता है, स्काई इज द लिमिट। मगर उन्होंने एक वाक्य बोला था स्वामी जी ने, धनात धर्मः ततः सुखम, धन तो चाहिए पर सुख का कारक वही है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। अब हम ये कहें जो भोग के माध्यम से व्यय होता है वह विनाश का कारण बनता है। इसका प्रतीक है अमेरिका की भोगवादी संस्कृति, दिल मांगे मोर, और जो अधर्म के मार्ग से व्यय होता है वो भी विनाश का कारण बनता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान व्यय कर रहा हो या जिस भी प्रकार की चीजों में चाइना या अन्य देश व्यय कर रहे हो। तो मैं ऑन द लाइटर नोट सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जब भी हमारे बीच में संपर्क होगा तो चाइना ऑफिशियली तो कम्युनिस्ट कंट्री है, प्रैक्टिकली हो ना हो, प्रैक्टिकली तो कैपिटलिस्ट का भी कैपिटलिस्ट है पर ऑफिशियली तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी व्यक्ति कोई धार्मिक अपने धर्म का वो नहीं कर सकता वरना उसे जेल तक हो सकती है। तो यानी वो धर्म को नहीं मानता, तो वो अधर्म का प्रतीक है, विधर्म का प्रतीक नहीं है। विधर्म हुआ दूसरे धर्म को मानिए, आप जो हमारा विचार है उसको मत मानिए, मगर आस्तिक तो रहिए, जैसे पाकिस्तान है या वेस्टर्न वर्ल्ड है। अंग्रेज और औरंगजेब थे, विधर्मी थे पर अधर्मी नहीं थे। अब अगर वो दुनिया में सबसे बड़ा धर्महीन होने का प्रतीक है और हम क्या हैं, दुनिया में सबसे बड़े धर्म के प्रतीक हैं, भारत को रिलीजियस स्पिरिचुअल माना जाता है, और ये ध्यान रखिए ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारी चिरंतन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यह हमें संदेश देती है जब भी अधर्म और धर्म के बीच का द्वंद्व होता है तो अपेरेंटली हमेशा अधर्म की पावर ज्यादा होती है, पर परिणाम क्या होता है, वो जो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है, यतो धर्मस्ततो ततो जयः। तो इसलिए आप ये समझिए कि हम अपने अर्थ का प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, हम दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं अंत में जो सतीश शर्मा जी ने कहा था कि भाई हिंदू रेडिकलाइज क्यों नहीं होता, उसका कारण यह है कि हम वो थे जिसने प्रॉस्पेरिटी की पीक देखी थी, जो एंगस मेडिसन का उल्लेख स्वामी जी ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि कोई इसको कल्पना माने तो मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए, कल्पना नहीं थी ये, आपका सोचना है। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। आपको लगता होगा कल्पना है क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल अभी कम है, जैसे 100-125 साल पहले यहां से अमेरिका बात हो रही है कल्पना थी, आज यथार्थ है। मगर मैं कहता हूं भाई कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम बाहर इतना अचीव कर चुके थे, जिसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, ओ ब्रिमफुल इज माई कप ऑफ जॉय, हैविंग फुलफिल्ड ऑल डिजायर, व्हाट शैल आई डू एंड वेयर टू मूव, आई फिल ऑल द स्पेस नो रूम टू मूव। अब क्या था, इसलिए हमारे यहां बाहर प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, हम सोने की चिड़िया भी थे, हम सबसे संघर्षशील भी थे, हमारे यहां शाका और जौहर भी होता था, तो हम जगत गुरु भी थे, क्योंकि हम बाहर जीतने के लिए नहीं जाते थे, हम अपने को जीतने का प्रयास करते थे। इसीलिए हिंदू रेडिकलाइज नहीं होता, वो तो एक अलग बात है, हिंदू इज द ओनली इफ समबडी कंसिडर इट एज अ रिलीजन, जो कन्वर्जन में विश्वास नहीं करता, देयर इज नो मेंशन ऑफ कन्वर्जन इन एनी हिंदू टेक्स्ट। इसीलिए इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजंट बिलीव इन इन्वेजन, इसीलिए हमने कभी किसी कंट्री पे इन्वेजन नहीं किया। तो दोनों की बातों का सामंजस्य यह है, जो अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उसका अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम,
मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब आप कहेंगे, अब मैं आता हूं फाइनल कंक्लूड करते हुए, जो चाइना वाली बात अमित जी ने कही, चाइना का आज वर्ल्ड में बड़ा प्रोमिनेंस है। कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां उसका डोमिनेशन ना दिख रहा हो। पर ये बताइए, जब मोदी जी 2014 में यूनाइटेड नेशंस में योग का प्रस्ताव लाए तो 173 देश उसके समर्थक नहीं बने, सेकंड प्रपोजर बने, जो यूएन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। 173 देश जिस समय योग करते हैं उनका डोमिनेशन दिखता है, हमारा मोटिवेशन दिखता है। हम, और ये वेद आता कहां से है, ये योग आता कहां से है, वेद से ही आता है। जो षट दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा वेदांत, उसी योग में तो एक योगासन है, अष्टांग योग में। तो ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि जब हम राइज करेंगे तो दुनिया को क्या देंगे। हमारा राइज जगत के कल्याण के लिए होगा, और किसी और का राइज उनके अपने कल्याण के लिए हो सकता है। और फाइनली एकदम फंडा क्लियर रखिए कि हमारा राइज होने जा रहा है इन 25 वर्षों में, चाहे कुछ भी सामने दिख रहा हो। आप सब हिस्ट्री के गहरे जानकार हैं। आज से 2500 साल पहले जब हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, उससे पहले वी वर द इकोनॉमिक मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारा डाउनफॉल हुआ तो पावर सेंटर कहां शिफ्ट हुआ, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, पर्शियन एम्पायर। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की का इस्तांबुल है, फिर चली गई रोम में। रोमन एम्पायर, रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन। शिफ्टिंग का पैटर्न देखिए, पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका, अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 100 साल में, उसके बाद जापान की इकोनॉमिक धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। अब आ जाइए पिछले 50-60 साल में, टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। अब आइए पिछले 20 साल में, चाइना। तो अगला पड़ाव क्या है, तो धनात धर्मा तथा सुखम भी पड़ाव है, और यतो धर्मस ततो जया भी पड़ाव है। इसलिए ये कहते हुए अपना विचार समाप्त करता हूं, बिल्कुल मन में स्पष्ट रखिए कि इस अमृत काल में अमृत का उदय होने जा रहा है। हमें बस मोदी जी ने जो 5 प्रण बताए हैं वो अपने मन में रखना है, और जलने वाले जितना जलना है जलते रहें। जो एक बात और कह दूं, जो स्वामी जी ने कहा ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका निभाई है, और आप कह दो जलती हुई फोटो दिखाई गई थी, हाँ, तो हम बताते हैं कि हम जलते हैं, पर जलने का हेतु क्या है। हम बचपन में वो कविता सुने थे ना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, उसकी एक लाइन थी, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। तो हम उस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस रहिए। वी आर हैविंग अ ग्लोरियस पास्ट एंड वी आर हैविंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। और हमारा विकास का मॉडल क्या होगा, जो गुजरात में मोढ़रा में दिख रहा है। सोलर एनर्जी का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बना, सोलर एनर्जी 300 गीगावाट तक 2030 में पहुंचेगी। पहला विलेज ऐसा बना जिसके हर रूफ के ऊपर सोलर होगा, और वहीं भगवान सूर्य का मंदिर भी होगा। तो इसलिए यहां पर उस ग्लोरियस पास्ट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर का समन्वय होगा। बस हम वर्तमान में यह ध्यान रखें, आप सभी सरस्वती के साधक हैं और लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए, परंतु दोनों ही कमल पर विराजमान होकर आती हैं, तो बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों की कृपा कैसे मिलेगी। तो अंत में मैं कहता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में अपनी ओजपूर्ण वाणी के साथ आपके अनमोल शब्दों के लिए बहुत आभार श्री सुधांशु जी त्रिवेदी साहब। अब आभार व्यक्त करने के लिए द जयपुर डायलॉग्स फोरम के प्रेसिडेंट श्री सुनील कोठारी जी आमंत्रित हैं।
नमस्कार। जयपुर डायलॉग के इस विचार मंथन के 2022 के इस कार्यक्रम में मंच पर हम सभी के मध्य इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे स्वामी विज्ञानंद जी, साथ ही मुख्य वक्ता सुधांशु त्रिवेदी साहब, साथ ही इस जो जयपुर डायलॉग का जो विचार है, सोच है, उसे साकार और आकार देने वाले, सोच देवाने वाले हमारे आदरणीय संजय दीक्षित साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्युत जन, मैं आप सभी का 2022 के इस डायलॉग के अंदर मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, एक मनुष्य अगर कुछ समय अगर सांस लेना बंद कर दे, सांस ना मिले, तो वह कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी कोशिकाएं अगर काम करना बंद कर दे तो वह कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, और अगर वह जल ना पिए तो हफ्तों तक रह सकता है, और अगर वह खाना ना खाए तो महीनों तक जिंदा रह सकता है। और सामान्यतः यह बात सभी जीव और जंतुओं पर भी लागू होती है, लेकिन क्या चीज़ है जो हमें इन सब से अलग करती है, जो जीव जंतु और हमें मानव को अन्य लोगों से, अन्य जंतुओं से क्या अलग करती है, वह है हमारी सोच। सोच को हमें व्यक्त करने का, उसे व्यवहार में, उसको क्रम में लाने का जो है, वह अंतर बहुत बड़ा हमें अन्य सभी जीवों से अलग खड़ा करती है। साथियों, एक सोच से एक व्यक्ति राम हो जाता है, और एक सोच से व्यक्ति रावण हो जाता है, एक सोच से आदमी कृष्ण हो जाता है, एक सोच से व्यक्ति कंस बन जाता है, लेकिन हम देखें कि यह सोच ही है जो एक पूरी दुनिया को विनाश के रास्ते पे ले जाती है। आज हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखें, क्या स्थितियां बन रही है, लेकिन एक सोच ही है जो व्यक्ति को विकास की ओर ले जाती है। हमने 65-70 साल हिंदुस्तान को देखा है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के माध्यम से हम देख रहे हैं कि दुनिया किस तरह से, भारत किस तरह से अपने आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, आवश्यकता है कि जो उस सोच के अंदर, जो विचार के अंदर जो अमृत है और विष है, उसको मंथन के माध्यम से हम व्यक्ति, समाज और परिवार और मानवता के सामने लाए, और यही कार्य, उद्देश्य और ध्येय के साथ जयपुर डायलॉग फॉरम अपना कार्य कर रहा है। और इसीलिए आज के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत और आभार करते हुए, माननीय स्वामी जी ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि अमृत काल है, लेकिन अमृत में हमें जागरूक रहना पड़ेगा, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई असुर आ सकता है और वह विष को, उस अमृत को भी पी सकता है। साथ ही माननीय सुधांशु जी ने कहा, जो मैं उसको एक लाइन के अंदर कहना चाहूँगा, कि सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, तो केवल हमारी सोच है जिसको माध्यम से हम सभी को आगे बढ़ना है। आदरणीय सुधांशु जी ने, विज्ञानंद जी महाराज साहब का मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हम, और हमें समय दिया, और इस जो हमारी जो अमृत काल का विषय है, भावी सोच का है, जो एक दिशा है, हम सबको दिशा दी। साथ ही आप ही सभी बंधुगण अपने व्यस्तम समय से इस कार्यक्रम में पधारे, जयपुर डायलॉग फॉरम के इस मंथन के कार्यक्रम से जुड़े, मैं आप सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद और जय भारत। बहुत धन्यवाद श्री सुनील कोठारी साहब। आपने ये सेशन और इसके बाद जितने भी सेशंस होंगे वो YouTube और Facebook पर लाइव देख पा रहे हैं आप, और इस उद्घाटन सत्र के YouTube और Facebook स्पॉन्सर से श्री विक्रम शर्मा और को स्पॉन्सर राहुल सिंह राघव। कुछ ही देर में हमारा आज का पहला टॉक शो होगा, जिसका सब्जेक्ट है Are all religions the same? थोड़ा सा विराम।